सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू तो चालू किया था हमने एंड हम पहुंच चुके हैं लास्ट पेपर पे सो so, सितंबर 21 साथ देने के लिए धन्यवाद आइए चालू करते हैं हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर वन से an investor makes decisions using the utility function uw is lnw the investor is going to invest 100 now for a period of 1 year and has identified the following two assets to invest in asset a is risk free and will not change in value over the year asset b will increase in value by 50% over the year or decrease in value by 50%. The investor does not make any allowance for discounting when making investment decisions. They are going to invest a proportion X of their wealth in asset A and the remaining in B. Construct a formula in terms of X for their expected utility at the end of the year. Determine using a result from part 2 the amount that the investor should invest in each asset to maximize their expected utility. So, again, it's a very simple question. जिसमें हमने दो तीन टॉपिक्स मिक्स करके इन्होंने क्वेश्चन बनाया है सो आइए सो क्या बोलते हैं बेसिकली ये लोग करना क्या चाह रहे हैं हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा इसमें हम लोग को बेसिकली इसमें डिवाइड करना पड़ेगा दो इन्वेस्टमेंट्स हैं ठीक है यूटिलिटी थ्योरी का ये क्वेश्चन है सो दिस इज सेप्टेंबर ट्वेंटी वन हम्म hmm. ठीक है सो so, दो आउटकम्स हो सकते हैं सो so, एक तो हमारा हो जाएगा 100x एक्स प्लस 100 वन माइनस एक्स इंटू वन दूसरा में आ जाएगा 100x एक्स प्लस हंड्रेड इंटू वन माइनस एक्स इंटू जीरो पॉइंट फाइव ये वाला होने का प्रोबेबिलिटी है जीरो पॉइंट सिक्स और ये वाला होने का प्रोबेबिलिटी है जीरो पॉइंट फोर सो क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज जीरो पॉइंट सिक्स एल एन बिकॉज लॉग डब्ल्यू है वन फिफ्टी माइनस फिफ्टी एक्स प्लस जीरो पॉइंट फोर इंटू एलेन फिफ्टी प्लस फिफ्टी एक्स ठीक है इसके बाद में ऑप्टिमल पोर्टफोलियो सो बेसिकली एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का जो मेरा फंक्शन है उसको मैं करूंगा डी डी एक्स सो so, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे सो so, ये आएगा 0.4 पॉइंट फोर बाय वन प्लस एक्स माइनस जीरो पॉइंट सिक्स बाय थ्री माइनस एक्स ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ना इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है विथ रेस्पेक्ट टू वेट्स विथ रेस्पेक्ट टू वेट्स मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है ना सो so, वही मैंने यहां पर ट्राई किया है अब इसको जीरो पुट करेंगे नाउ दिस शुड बी इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करने से मेरा एक्स आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स अब इसका सेकेंड ऑर्डर इसका सेकेंड ऑर्डर सो दिस इज वॉट माइनस जीरो पॉइंट फोर बाय माइनस जीरो पॉइंट सिक्स बाय दिस शुड बी लेस देन जीरो तभी मैक्सिमम होगा ठीक है सो सिक्सटी डॉलर सिक्सटी इन एसेट ए एंड डॉलर फोर्टी इन एसेट बी ठीक है इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग को कंसिडर एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैमडा टू एंड लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स माइनस वन पॉइंट जीरो फोर कॉमा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट एट डबल थ्री का स्क्वायर कैलकुलेट मीन वेरियंट नाइनटी नाइन परसेंटाइल कमेंट ऑन योर आंसर्स टू पार्ट वन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फिनेशियल मॉडलिंग कमेंट ऑन वाई लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वे वी प्रेफर्ड टू दी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मॉडलिंग अ सिक्योरिटी प्राइस ट्राई करिए इसको इसमें चालू करेंगे हम लोग मीन से सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरा जीरो पॉइंट फाइव फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या आ जाएगा ये मेरा एक्स हो जाएगा और ये मेरा वाई हो जाएगा ई टू द पावर म्यू बेसिकली एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर ठीक है इसके बाद में वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ जाएगा मेरा मीन इज स्टैंडर्ड डिविएशन सो वेरिएंस विल बी मीन का स्क्वायर ठीक है वेरिएंस ऑफ वाई क्या आ जाएगा मीन का स्क्वायर e टू दावर जीरो पॉइंट एट थ्री थ्री का स्क्वायर माइनस वन ई टू पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस वन ठीक है नाइन्टी नाइन का बात करिए प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन स्मॉल एक्स इज जीरो पॉइंट नाइन नाइन सो वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टू एक्स इज जीरो पॉइंट नाइन नाइन अब यहां से आप लोग एक्स सॉल्व कर लीजिए सिमिलरली उसमें करना है मेरे को प्रोबेबिलिटी कैपिटल इज लेस देन स्मॉल वाई इज जीरो पॉइंट नाइन नाइन वाई फॉलोज लॉग नॉर्मल सो एल एन वाई माइनस म्यू बाय सिग्मा विल बी लेस देन एल एन स्मॉल वाई माइनस माइनस ऑफ वन पॉइंट जीरो फोर बाय जीरो पॉइंट एट थ्री थ्री इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन नाइन सो प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन एल एन वाई प्लस वन पॉइंट जीरो फोर बाय जीरो पॉइंट एट थ्री थ्री ठीक है अब यह वैल्यू देख लो टू पॉइंट थ्री टू सिक्स थ्री सो एल एन वाई प्लस वन पॉइंट जीरो फोर बाय जीरो पॉइंट एट थ्री थ्री इज टू पॉइंट थ्री टू सिक्स थ्री ठीक है यहां से सॉल्व हो जाएगा हम लोग का हम लोग को बोला है चूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग द टू डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द सेम मीन एंड वेरियंस बट 99 नाइन परसेंटेज डिफर This shows that it is important to consider not just mean and variance but also the tail behavior. Preferred distribution for security price model. The density function for the exponential distribution is largest for the smallest values, which does not fit the observation that security prices cluster around the mean. Kya bolta hai? density function for the exponential distribution is largest, largest for स्ट वैल्यूज ठीक है बट सिक्योरिटी में क्या क्या होता है मीन के आसपास रहता है लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हायर नाइनटी नाइन विच सजेस्ट इट मॉडर्स्योरिटीज बिहेवियर मोर अप्रोप्रिएटलीन दल पार्ट वन डज नॉट कंसिडर द लोअर टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लोअर टेल कंसिडर नहीं किया जा रहा है लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज मोर पैरामीटर सो मे बी मोर फ्लेक्सीबल वेन फिटिंग टू हिस्टोरिकल डेटा

Claims on a portfolio of insurance policies arise as a poison process with rate lambda. The insurance company calculates premiums using a loading of theta and has an initial surplus of u. The probability of ruin before time t is defined as xi ut. xi ut. Okay? Okay? Suppose that theta is. जीरो पॉइंट वन एंड दी क्लेम अमाउंट फॉलो एन एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन सो म्यू मेरे को दिया हुआ है जीरो पॉइंट फाइव कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर एडजस्टमेंट दस्टमेंट थीटा अपने को वन दिया हुआ है एंड दी क्लेम अमाउंट फॉलो एन एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू ठीक है सो so, इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए

डम वेरिएबल टू डिनोट द क्लेम अमाउंट्स अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस सो बेसिकली क्लेम अमाउंट के लिए ये है ठीक है अब जैसे एडजस्टमेंट को यूनिक पॉजिटिव रूट ऑफ लनबर्ग इक्वेशन सो लैमडा एम एक्स आर ठीक है इज लैमडा प्लस सी आर ठीक है सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा इट इज वन बाय ए, ओके। हम लोग को बोल दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्वेश्चन में दे दिया है। बोला है म्यू इज पॉइंट फाइव सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज म्यू विच इज जीरो पॉइंट फाइव मतलब पैरामीटर जो है वो कितना होगा टू सॉरी लैमडा पैरामीटर नहीं है ए है सो ए इज टू राइट तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है तो एम एक्स आर इज वॉट वन माइनस आर बाय टू टू द पावर माइनस वन सो दिस इज नथिंग बट टू बाय टू माइनस आर अब एडजस्टमेंट कोई फिशन वाला में डालो एम एक्स आर लैमडा लैमडा दोनों तरफ से कट जाएगा वन प्लस वन प्लस थीटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इन टू आर सी का वैल्यू डाल दिए सो एम एक्स आर की जगह में डाल दो टू बाय टू माइनस आर इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस जीरो पॉइंट वन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज जीरो पॉइंट फाइव आर अब यहां से आर सॉल्व कर लीजिए आर यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा टू बाय इलेवन ठीक है देख लो इसको टोटल में ग्यारह क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर नाइन नहीं है सिलेबस में ठीक है और सिक्स नहीं है तो तीन करा दिए दो नहीं है तो छह बचा एक और क्वेश्चन है इसमें रूइन थ्योरी का क्वेश्चन नंबर टेन कंसिडर अ पॉइजन प्रोसेस विथ पैरामीटर लैमडा लेट द रैंडम वेरिएबल वन डिनोट द टाइम ऑफ द फर्स्ट क्लेम शो दैट वन फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैमडा प्रूव दैट दी इंटर इवेंट टाइम्स बिटवीन सबसिक्वेंट क्लेम्स फॉलो एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैराम फिर हम लोग को उसके आगे करना है ठीक है तो सबसे पहले एंटी बेसिकली क्या है मैं पूरा नहीं लिखूंगा मैं समझा दे रहा हूं एंटी बेसिकली क्या है नंबर ऑफ क्लेम्स अराइजिंग अप टू टाइम टी नंबर ऑफ क्लेम्स अराइजिंग अप टू टाइम टी सो एंटी क्या फॉलो करेगा एन विल फॉलो पॉइजन लैमडा टी एंटी विल फॉलो पॉइजन लैमडा टी ठीक है टीवन क्या है फर्स्ट क्लेम टाइम टीवन क्या है टाइम टीवन क्या है टाइम टू फर्स्ट क्लेम ठीक है टाइम टू फर्स्ट क्लेम सो प्रोबेबिलिटी टी वन ग्रेटर देन टी सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी एन टी प्रोबेबिलिटी एन टी इज इक्वल टू जीरो सो एन टी जीरो मतलब क्या ई टू दावर माइनस लैमडा टी लैमडा टी टू दावर जीरो बाय जीरो फैक्टोरियल

दैट दिस इज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्सपोनेशियल लैमडा डिस्ट्रीब्यूशन पेज इलेवन में दिया हुआ ये चीज टेबल बुक से समझ में आता है उसके बाद में पार्ट टू हम लोग रेफरेंस लेके बात करेंगे तो बहुत सही रहेगा हम लोग को बार बार रेफरेंस लेना पड़ेगा ठीक है पार्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटर इवेंट वेटिंग टाइम्स पॉइजन प्रोसेस जो है वो मेमरी लेस है पॉइजन प्रोसेस जो है वो मेमरी लेस है सो मेजरिंग द टाइम फ्राम एनी क्लेम इवेंट इज द सेम एज मेजरिंग फ्रॉम जीरो देयर फॉर द इंटर एवन वेटिंग टाइम्स आर डिस्ट्रीब्यूटे द सेम वे एजीवन ठीक है पॉइजन जो है पॉइजन प्रोसेस ये मैंने कराया है क्लास में पॉइजन प्रोसेस जो है पॉइजन प्रोसेस जो है वो क्या है दैट इज मेमोरी लेस ठीक है

हाँ. ठीक है यू आर गिवन बिलो द फॉर्मूला फॉर द अल्टीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइंस आई यू वेर इंडिविजुअल क्लेम आर एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन वन ठीक है द प्रीमियम लोडिंग फैक्टर इज थीटा इनिशियल तो जाई यू जाई यू इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस थीटा एक्सपोनेशियल माइनस थीटा यू बाय वन प्लस थीटा कमेंट ऑन व्हाट कैन बी इन्फर्ट फ्रॉम दिस रिजल्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द अल्टीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन एंड इनिशियल सरप्लस प्रीमियम लोडिंग फैक्टर ठीक है सो बेसिकली दिस इज वेरी सिंपल हम लोग को सबसे पहले इनिशियल सरप्लस के लिए करना है तो इनिशियल सरप्लस के लिए करने के लिए हम लोग निकालेंगे डेल डेल यू ऑफ वाई यू ठीक है सो दिस विल बी नथिंग बट माइनस थीटा बाय वन प्लस थीटा का स्क्वायर एक्सपोनेशियल माइनस थीटा यू बाय वन प्लस थीटा ठीक है थीटा ग्रेटर देन जीरो सो बेसिकली थीटा क्या है हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया डेल डेल यू ऑफ ज यू इज वॉट लेस देन जीरो ठीक है दिस रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट एज यू इंक्रीजेस यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा जाई यू गिरेगा यही होना चाहिए क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने से क्या हो रहा है लेस देन जीरो आ रहा है ना ठीक है इट इज इंटूटिवली सेंसिबल दैट जाई यू शुड बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ यू सरप्लस जितना ज्यादा होगा उतना रूइन का प्रोबेबिलिटी कम होगा इंक्रीज इन यू रेप्रेजेंट एन इंक्रीज इन द इंोरेंस सरप्लस विदाउट एनी करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन क्लेम अमाउंट द्स एन इंक्रीज इन यू रेप्रेजेंट एंड इंक्रीज इन द इंश्योरेंस सिक्योरिटी एंड रेड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोइन प्रीमियम लोडिंग फैक्टर सो प्रीमियम लोडिंग फैक्टर के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सो so, uh, हम लोग का जो जाई यू था जाई यू से चालू कर रहे हैं सो so, जाई यू इज वॉट वन बाय वन प्लस थीटा एक्सपोनेशियल माइनस थीटा यू बाय वन प्लस थीटा ठीक है सो दिस इज वन बाय वन प्लस थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस वन प्लस थीटा यू प्लस यू बाय वन प्लस थीटा ठीक है सो दिस इज वन बाय वन प्लस थीटा एक्सपोनेंशियल यू बाय वन प्लस थीटा माइनस यू ठीक है थोड़ा सा बहुत चेंजेस किए हैं इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं दैट वन बाय वन प्लस थीटा एक्सपोनेंशियल u बाय वन प्लस थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस यू ठीक है सो so, यहां पर देखो एक तो तुम्हारा यहां पर बेसिकली थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना है सो so, एक तो तुम्हारा ये हो गया और एक तुम्हारा ये हो गया उससे तो वो तो सरप्लस है तो ये दोनों में ही क्या हो रहा है ध्यान देना ये बोथ आर ये जो दोनों है ना ये दोनों ही क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन दिस बोथ आर डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा देयरफॉर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स मस्ट ऑल्सो डिक्रीज विथ थीटा जाई यू डिक्रीजेस एज द प्रीमियम लोडिंग फैक्टर तो बेसिकली जाई यू क्या होगा गिरेगा जैसे थीटा बढ़ेगा थीटा बढ़ रहा, मतलब, बढ़ रहा है मतलब लोडिंग फैक्टर बढ़ रहा है मतलब ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे लॉजिकली दिस मेक सेंस एज इंक्रीजिंग थीटा इंक्रीज द रेट ऑफ प्रीमियम इनकम फ्रॉम द इंश्योर सो द इंश्योर वुड बी एबल टू विथ स्टैंड क्लेम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन विल बी लोअर सो बहुत सिंपल था ये भी ठीक है अब इसके बाद आइए अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आइए ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आइए क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आइए सो कलर में कुछ चेंज किया जाए हल्का लाइट कलर लेके देखा जाए कि कैसा लगता है हाँ ये भी बढ़िया लग रहा है चलिए इससे थोड़ा देर पढ़ाया जाए आप लोग को ठीक है एकेडमिक स्टडीज हैव शोन दैट लेम्यूर्स प्राइमेट्स फ्रॉम द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर

लास्ट कुछ साल का करने से ही समझ में आता है कि कैसे कैसे क्या पैटर्न में आ रहा है सो दिस इज ट्वेंटी वन सेप्टेंबर ट्वेंटी वन ओके आइए स्ट आई विल ड्रिंक सम वॉटर आइए लेमूर सर सेट टू बी रिस्क एवर्स एंड नॉन सैटिटेड बोला है ठीक है तो U डैश W विल बी ग्रेटर देन जीरो यू डैश डब्ल्यू विल भी ग्रेटर देन जीरो एक ये हो गया ये बेसिकली किसका है दिस इज फॉर नॉन सैटिएशन एंड यू डबल डैश डब्ल्यू विल भी लेस देन जीरो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सो बेसिकली रिस्क एवर्स के लिए यह दोनों चीज होना चाहिए ठीक है सो पहला डब्लू प्लस W स्क्वायर सो यू डैश निकाल निकालिए तो क्या आ जाएगा वन प्लस टू डब्ल्यू एंड यू डबल डैश W, -W, -W निकालिए सो ये so आ जाएगा टू ठीक है यू डबल डैश W शुड बी लेस देन जीरो है ना तो ये तो हो नहीं रहा है ठीक है सो नॉट वैलिड चलो नेक्स्ट में आ जाओ फिर उसके बाद में आ रहा है यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू दी पार गामा माइनस वन बाई गामा सो यू डैश डब्ल्यू सो दिस विल बी इक्वल टू डब्लू टू दी पावर गामा माइनस वन यू डबल डैश डब्ल्यू इज वॉट गामा माइनस वन डब्ल्यू टू पावर गामा माइनस टू अब जैसे अपने को यहां पर क्या बोला है ध्यान देना पहले वाले में अपने को बोला था w माइनस इंफिनिटी से थ्री तक ठीक है और दूसरे वाले में बोल रहा है गामा लेस देन वन दिस शुड भी लेस देन जीरो और गामा अगर लेस देन वन होगा तो यह लेस देन जीरो ही होगा ठीक है यू डैश डब्ल्यू शुड भी ग्रेटर देन जीरोबू का जो हम लोग को रेंज दिया हुआ है डब्ल्यू का जो हम लोग को रेंज दिया हुआ जीरो से इंफिनिटी वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें सो दिस इज वैलिड ठीक है इसके बाद में बेसिकली अगर डबल वाला U डबल डैस डब्ल्यू वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है ना तो पहला वाला भी फिर नहीं होगा ठीक है सो so, यू डब्ल्यू इज W माइनस टू डब्ल्यू सॉरी यू डब्ल्यू के लिए हम लोगों क्या बोल रहे हैं W माइनस टू डब्ल्यू स्क्वायर ठीक है So, U डैश डब्ल्यू क्या आ जाएगा वन माइनस वन माइनस फोर डब्ल्यू यू डबल डैश डब्ल्यू क्या आ जाएगा माइनस फोर विच इज लेस देन जीरो नव दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो ठीक है सो यू डैश डब्ल्यू अब जैसे यहां पर ये क्या आएगा माइनस फोर डब्ल्यू विल बी ग्रेटर देन माइनस वन सो फोर डब्लू विल भी लेस देन वन सो डब्ल्यू लेस देन जीरो पॉइंट टू फाइव सो यहां पर बोलने का मतलब क्या है यहां पर बोलने का मतलब क्या है u डैस डब्लू विल भी लेस देन जीरो फॉर w ग्रेटर देन जीरो पॉइंट टू फाइव तो ये तो हो नहीं सकता ना ये हो नहीं सकता तो यह भी क्या हो जाएगा मेरा नॉट वैलिड सो दोनों कंडीशन हम लोग को देखना पड़ेगा बेसिकली बोलने का मतलब यही है ठीक है दोनों कंडीशन देख देख के ही करना पड़ेगा इसके बाद में बोल रहा है द जूलॉजिस्ट हैज चोजन द फंक्शन w यू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एल एन वन प्लस डब्ल्यू आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्रेजेंट दूर्स विथ टू ऑप्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री डब्लू इज इक्वल टू जीरो ये दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना है पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव ठीक है। हैथ सर्टेंटी

प्लस हाफ एलेन वन एंड यू बी का तो सर्टेन है सो यूटिलिटी बी विल बी वॉट एलेन टू पॉइंट वन दोनों सॉल्व कर लो कितना आ रहा है बताओ सो ये मेरा आ रहा है यू ए यू ए आ रहा है एलेन टू ये आ रहा है एल एन टू पॉइंट वन So, क्या बोलेंगे यू बी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ यू ए ठीक है सो यही हम लोग को चाहिए था इसका पहला वाला क्वेश्चन अच्छा था तीनों टाइप का फंक्शन दे दिया और बोला कि प्रूव करिए कंडीशंस। तो वैसे टाइप का देखो इसमें क्या होगा ना जब हम लोग सेकेंड वाला करेंगे जैसे यू डबल डज मैं चालू कैसे करूंगा लेस देन जीरो तो अगर ये वाला सेटिस्फाई होगा तभी ना पहला वाला हम लोग पे जाएंगे पहले चालू तो यहीं से करेंगे ठीक है नाइन है नहीं सिलेबस में सो so बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर एट में चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर एट में चलते हैं अब ठीक है ट्राई करते हैं पेन का कलर चेंज करने का रेड में चलते हैं और एकदम बेसिकली इस तरीके का कलर लेते हैं जो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा वाइब्रेंट येलो कैसा रहेगा येलो में हम्म ये भी सही लग रहा है कंसिडर अ रैंडम वेरिएबल एक्स विथ पीडीएफ राइडोना फॉर्मूला फॉर दरियंस डाउन साइड सेमी वेरियंस एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ये सब तो ठीक है ये सब तो होते रहेंगे ये सब तो होते रहेंगे ठीक है सो so बेसिकली इसके बाद में सो so बेसिकली इसके बाद में A trader has built a war. A trader has built a war. Thicke? Model of a security that fits a distribution to underlying historical data. The modeled one day 99% war for this security is L dollars. Meaning that there is a 1% chance that the trader loses more than L in one working day. Thicke? The trader is examining the effectiveness of their model over a month with 20 working days they have assumed that day-on-day day movements of the security are all independent from one another demonstrate that assuming the war model is correct the probability the trader loses more than l dollars on at least three working days in the month is zero point double zero one kya bol rahe? assuming the war model is correct the probability that the trader loses more than l dollars on at least three working days in the month is itna when a teen working day mein, wo एटलीस्ट एल बेसिकली लूज करेगा ठीक है देखो वन परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि लॉसेस एक्सीड होगा सो पी जीरो मतलब क्या है बीस दिन में एक भी दिन नुकसान नहीं हुआ सो दिस इज बेसिकली जीरो पॉइंट नाइन नाइन नुकसान हुआ बेसिकली एल को एक्सीड नहीं किया ठीक है तो दिस इज जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू दि पार ट्वेंटी ठीक है एक दिन में कैसे होगा ट्वेंटी सी वन जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू दी पावर नाइनटीन ठीक है सो so बेसिकली दो नुकसान कैसे होगा ट्वेंटी सी टू जीरो पॉइंट जीरो वन का स्क्वायर जीरो पॉइंट नाइन नाइन जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू दावर एटीन जीरो पॉइंट नाइन नाइन 0.99 टू द पावर 18 ठीक है सो so, अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लॉसेस एक्ससीडिंग लॉसेस एक्ससीडिंग ऑन एटलीस्ट थ्री वर्किंग डेज ऑन एटलीस्ट थ्री वर्किंग डेज सो अपने क्या करेंगे 1 p0 minus p1 minus p2 एंड मेरा pn है क्या ये भी देख लो मेरा pn है क्या ये भी देख लो pn इज बेसिकली probability probability of probability of losses exceeding l dollars on exactly एन डेज ठीक है ये बेसिकली बाइनोमिली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ट्वेंटी कॉमर्स ठीक है इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोलता है ओवर दिस ओवर ओवर दिस मंथ अ मार्केट क्रैश ऑकर्स ऑन ईच ऑफ टेन सेपरेट वर्किंग डेज ड्यूरिंग द मंथ द सिक्योरिटी जेनरेट्स लॉसेस इन एक्सेस ऑफ एल पर डे डिस्कस विदाउट एनी फर्दर द इफेक्टिवनेस ऑफ वॉर एज अ रिस्क मेजर गिवन दिस इंफॉर्मेशन एंड योर आंसर टू पार्ट टू ऑन ईच ऑफ दी टेन सेपरेट वर्किंग डेज ड्यूरिंग द मंथ सिक्योरिटी जनरेट लॉसेस इन एक्सेस पर डे वी नो लॉसेस एक्सिडिंग एल ऑन एटलीस्ट थ्री डेज इज वेरी स्मॉल ठीक है ये बहुत छोटा आएगा दिस सजेस्ट दैट वॉर हैज नॉट बीन एन एफेक्टिव रिस्क मेजर बिकॉज इट एज प्रोडिक्टेड रियल वर्ल्ड इवेंट्स आर वेयर वेयर हाईली अनलाइकली मतलब उसको यह लगता है कि रियल वर्ल्ड में जो इवेंट्स है वो नहीं होंगे ठीक है बिकॉज दिस इन प्रैक्टिस हेज कॉस द ट्रेडर मोर मनी दैन एक्सपेक्टेड इसका मतलब क्या है कि आ, उसको ज्यादा पैसा लग गया दैन एक्सपेक्टेड ठीक है दिस मे बी बिकॉज द मॉडल वॉज नॉट अप्रोप्रिएटली फिटेड द ट्रेडर चोज एन इन अप्रोप्रियट अप्रोच टू फिट द डिस्ट्रीब्यूशन टू द डेट इसका मतलब क्या है टू फिट द डिस्ट्रीब्यूशन द ट्रेडर चोज एन इन अप्रोप्रियट अप्रोच उसका अप्रोच सही नहीं था टू फिट द डेटा ठीक है ऑल्टरनेटिवलीट मे बी दी दैट वॉर स्ट्रगल्स टू अप्रोप्रिएटली मेजर टेल रिस्क वॉर क्या होता है स्ट्रगल करता है टू अप्रोप्रिएटली मेजर दी टेल रिस्क ठीक है मेनी डिस्ट्रीब्यूशन लैक सफिशियंटली फैट टेल्स टू मॉडल द एक्सट्रीम बिहेवियर ऑफ अ मार्केट क्रैश क्या बोलते हैं एक्सट्रीम बिहेवियर ऑफ यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या बोल रहे हैं बोलते हैं लैक सफिशियंटली फैट टेल्स लैक सफिशियंटली फैट टेल्स ठीक है लैक सफिशेंटली फैट टेल्स टू मॉडल द एक्सट्री मार्केट क्रैश इट इज पॉसिबल दैट द मॉडल टू हिस्टोरिकल डेटा एंड डज नॉट इंक्लूड एन इवेंट सिमिलर टू द मार्केट क्रैश दैट जस्ट ऑकर्ड बिकॉज द हिस्टोरिकल डेटा इज माइल्डर दैन द इवेंट दैट हैज ऑकर्ड ऑल्टरनेटिवली इट मे बी दैट अदर एजम्पन्स आर इनप्रोप्रिएट फॉर एग्जाम्पल द एजम्पन दैट डिफरेंट डेज आर इंडिपेंडेंट इसका मतलब क्या है कि हर दिन इंडिपेंडेंट है यूजिंग अ वन डे वॉर डिड नॉट कवर अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम टू सिक्योरिटीज़ रिस्क एंड वीक वॉर मे है ट्रेडर माइट बी ओवरली कॉम्प्लेक्स देर माइट बी अ प्रॉब्लम विद दिस सॉफ्टवेयर यूज टू रन द वॉर मॉडल मैंने वॉर का डिफेक्ट बता रहा है बहुत अच्छे तरीके से वॉर गिव अ मेजर ऑफ हाउ बैड थिंग्स कुड गेट इफ द्रीच दिस वेरी इफेक्टिव रिस्क मेजर मैंने बहुत इफेक्टिव रिस्क मेजर नहीं है ठीक है so, सो ये अपना था क्वेश्चन नंबर एट ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स है नहीं आइए क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं आइए क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं ठीक है अ वन पीरियड बाइनोमियल ट्री हैज बिन कंस्ट्रक्टेड इन इट अ स्टॉक विथ इनिशियल वैल्यू एस जीरो कैन इवॉल्व ओवर अ सिंगल टाइम पीरियड बी वर्थ आईदर एस जीरो यू सो बेसिकली एस जीरो से क्या होगा या तो एस जीरो यू पे जाएगा या फिर एस जीरो डी पे जाएगा ठीक है वेर यू इज ग्रेटर दैन टी दंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज आर डिमोन्स्ट्रेट दैट टू अवॉइड आर्बिट्राज द रिलेशनशिप द रिलेशनशिप डी ईट दावर आर यू क्या बोलता है ये जो रिलेशनशिप है मस्ट होल्ड ठीक है इसका मतलब क्या ध्यान सुनना जो रिस्की एसेट है ऐसा समझ लो ऊपर जाएगा तो प्लस ट्वेंटी परसेंट नीचे जाएगा तो माइनस ट्वेंटी परसेंट ठीक है ये मैंने आपको बताया रिस्की एसेट का बताया ठीक है रिस्की एसेट का बताया और मान लो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है रिस्क फ्री जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है पांच परसेंट अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा अब जैसे मान लो अगर ऐसा है तो ठीक है मतलब जो रिस्क फ्री है वो इसके बीच में है अगर ऐसा नहीं होता है जैसे मान लो रिस्क फ्री मेरे को दे देता है दस और जो शेयर है ऊपर गया तो आठ नीचे गया तो आठ परसेंट तो इस केस में मैं क्या करूंगा मैं शेयर सेल करते जाऊंगा मैं एक लाख शेयर सेल कर दूंगा जो पैसा आएगा उसको मैं रिस्क फ्री में लगा दूंगा ठीक है अब एंड में क्या होगा जैसे मान लो मैंने शेयर सेल कर दिया मैंने शेयर सेल कर दिया शेयर सेल कर दिया और पैसा रिस्क फ्री पे लगा दिया ठीक है तो रिस्क फ्री में मेरे को दस परसेंट का रिटर्न मिलेगा अब जैसे मान लो शेयर सेल किया मतलब मेरे को खरीदना पड़ेगा तो या तो मैं खरीदूंगा जीरो पॉइंट नाइन टू में या फिर मैं खरीदूंगा वन पॉइंट जीरो एट में बट यहां से मेरे को कितना रुपया मिलेगा वन पॉइंट वन तो फिर भी नेट नेट मेरे को गेन है दूसरा सिनेरियो लो दूसरा सिनेरियो लो ऐसा समझो ऐसा समझो कि जो रिस्क फ्री रेट है वो है दो परसेंट का अगर ऊपर गया तो दस परसेंट और अगर नीचे गया तो पांच परसेंट मतलब पांच परसेंट का फायदा होना तो पक्का ही है इस केस में क्या करेंगे एक मिलियन डॉलर एक मिलियन डॉलर बोरो कर लेंगे दो परसेंट पे तो मेरे को दो परसेंट का ब्याज लगेगा राइट बॉडो करके शेयर में लगा देंगे शेयर में लगा दिए शेयर में लगाने से क्या होगा या तो 1.1 मिलेगा या फिर 1.05 मिलेगा चुकाना कितना है 1.02 तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है रिस्क फ्री प्रॉफिट रिस्क फ्री प्रॉफिट हो रहा है तो इसीलिए यह रिलेशनशिप तो होल्ड करना ही पड़ेगा स्टेट द फॉर्मूला फॉर द रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी क्यू ऑफ एन नव मूवमेंट तो क्यू इज वॉट ई टू पावर आर माइनस डी बाय यू माइनस डी डिमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप इन पार्ट वन इज इक्वी वैलेंड दिस सो ओके बहुत सिंपल है तो आपको क्या करना है आप रिलेशनशिप डेमोन्स्ट्रेट करने बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में ठीक है ना एक मिनट so, कैसे करेंगे इसको देखना So, यहां से आना है ना अपने थे यहां पर e टू दावर r लाइज बिट्वीन u एंड d सो so दोनों दोनों तो तो तरफ पहले d माइनस करो तो जीरो e टू दावर आर यू माइनस d सॉरी जीरो e टू दावर आर माइनस d u माइनस जी अब तीनों को डिवाइड कर दो जीरो मैंने u माइनस जी से डिवाइड कर दो e टू दी पावर r माइनस डी बाय U minus D one, so this is zero Q one, ठीक है कुछ भी आ सकता है भाई एग्जाम है कुछ भी आ सकता है एग्जाम में जितना पढ़ लिया उतना कम है आइए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए एक और नया कलर ट्राई करते हैं आई शुड ट्राई ग्रीन में लाइट में ट्राई करे क्या ग्रीन मैंगेगा क्या हाँ ये भी दिख ही रहे ठीक है अ नॉन डिविडेंट पेइंग शेयर विद प्राइस एस टी एट टाइम टी हेज अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन रिटर्न ऑन इट विथ वैल्यू सी टी एट टाइम टी द कॉल मैच्योर एट टाइम टी एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ के कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट इज आर स्टेट एंड अपर बाउंड फॉर दैल्यू ऑफ दॉल ऑप्शन सिटी सो अपर बाउंड निकालना है कॉल ऑप्शन का यह आपको मिल जाएगा यह आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर ट्वेल्व में यह आपको मिल जाएगा अपर बाउंड फॉर नॉन डिविडेंट पेइंग शेयर राइट सो चैप्टर नंबर ट्वेल्व में आ जाइए बाउंड जी वाला मैंने एकदम अच्छे से करवा भी दिया है अपर बाउंड में आपको सारे का ही लिख देता हूं सो so सबसे पहले CT यूरोपियन का मैं बता रहा हूँ CT शुड बी लेस देन इक्वल टू ST ठीक है ये मैंने बताया आपको यूरोपियन का यूरोपियन का और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अमेरिकन का ठीक है ना सो so, अमेरिकन में सेम चीज आएगा CT शुड बी लेस देन इक्वल टू ST ठीक है और PT शुड बी लेस देन इक्वल टू के ई टू दी माइनस आर टी माइनस टी और यहां पर होना चाहिए पीटी शुड बी लेस देन इक्वल टू के ठीक है ये मेरा आ गया अपर बाउंड या फिर इसके एक हम लोग वो भी बना सकते हैं आ, मैं एक अच्छे से बना ही देता हूं इसके पहले का तो नहीं मिट गया ना हाँ ठीक है सो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं एक यहां पर मैं बना देता हूं लोअर और एक यहां पर मैं बना देता हूं अपर ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा यूरोपियन कॉल सो पहले अपर बाउंड कर लेते यूरोपियन कॉल अमेरिकन कॉल यूरोपियन पुट अमेरिकन पुट सो यूरोपियन कॉल में तुम्हारा आ जाएगा एस टी फिर आ जाएगा एस टी फिर आ जाएगा के ई टू दी पार माइनस आर टी माइनस टी फिर यहां पर आ जाएगा के ठीक है अब जैसे लोअर बाउंड में अगर हम लोग देखेंगे लोअर बाउंड में अगर हम लोग देखेंगे सो लोअर बाउंड में लोअर बाउंड में इट इज मैक्स ऑफ मैक्स ऑफ एस टी माइनस के ई टू दी पावर माइनस आर टी माइनस टी कॉमा जीरो ठीक है ठीक है उसके बाद में अमेरिकन में आ जाएगा सेम ही आएगा यूरोपियन में आ जाएगा मैक्स ऑफ के ई टू दी पर माइनस आर टी माइनस टी माइनस एस टी कॉमा जीरो और यहां पर आ जाएगा मैक्स ऑफ के माइनस एस टी कॉमा जीरो ठीक है ना सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसके बाद में कंसिडर अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग वन कॉल ऑप्शन एंड इतना कैश ठीक है सो so पोर्टफोलियो में क्या है वन सी प्लस एंड के ई टू दर माइनस आर टी माइनस टी कैश डिमोन्स्ट्रेट दी दैल्यू ऑफ दोर्टफोलियो विल ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ शेयर ठीक है सो so, यहां पर क्या आ जाएगा मैक्स ऑफ एस टी माइनस के कॉमा जीरो प्लस के सो दिस इज मैक्स ऑफ एस टी कॉमा के सो नाउ इफ एस टी इज लेस देन के देन के इफ एस टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू के दैन एस टी तो मिनिमम मिनिमम एस टी तो हो ही रहा है ठीक है डिटर्माइन यूजिंग द रिजल्ट इन पार्ट टू अ लोअर बाउंड फॉर द वैल्यू ऑफ अ कॉल ऑप्शन ठीक है लोअर बाउंड फॉर द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन सो अब लोअर बाउंड के लिए कुछ भी नहीं है इट्स वेरी सिंपल सो so, ये वाला क्या हो जाएगा तो दिस शुड बी बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं सी जीरो प्लस के ई टू दर माइनस आर टी माइनस टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एस टी या फिर एस जीरो अगर यहां पर एस टी है तो यहां पर भी सी टी होना चाहिए सो so, बस इसको उधर ले जाओ इसको उधर ले जाओ तो एस टी माइनस द पोर्टफोलियो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ शेयर

ये सब क्या करा रहा है भाई ये लोग ऐसे नहीं होगा रुको मैं आपको समझा देता हूं सो सी टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एस टी माइनस के ई टू दी पर माइनस आर टी माइनस टी बट जो अमेरिकन होगा ये तो यूरोपियन का है ना जो अमेरिकन होगा सो अमेरिकन में क्या आएगा अपना सी टी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एस टी माइनस के समझा अब यहां पर एक चीज देखना इसमें और इसमें इसमें और इसमें बड़ा कौन है के बड़ा है ये छोटा है तो ये पूरा और ये पूरा में यहां पर छोटा चीज माइनस हो रहा है मतलब ये वाला पूरा चीज बड़ा आएगा यहां पर बड़ा चीज माइनस आ रहा है मतलब ये पूरा चीज छोटा आएगा तो इसीलिए एक्सरसाइज करने से एक्सरसाइज करने से कभी भी ऑप्टिमल नहीं होगा एक्सरसाइज करने से कभी भी ऑप्टिमल नहीं होगा ठीक है सो इन अमेरिकन कॉल्स वैल्यू एक्सीड दिस टू एस टी ग्रेटर एक्साइज वैल्यू इज लेस देन द बाउंड सो द इन्वेस्टर वुड नॉट एक्साइज बेसिकली कुछ है नहीं इसमें ठीक है फिर एक लास्ट में पूछे योर आंसर अगर डिविडेंड होगा अगर डिविडेंड होगा तो क्या होगा पहले ये बताओ अगर डिविडेंड होगा तो क्या होगा डिविडेंड होने से हम लोग सोच सकते हैं क्यों सोच सकते हैं जैसे मान लो तुम यहां पर एक्सरसाइज कर दिया राइट क्योंकि जब तुम एक्सरसाइज करेगा तो तुमको टाइम वैल्यू नहीं मिलेगा सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू मिलता है ठीक है यहां एक्सरसाइज किया और यहां पर डिविडेंड है तो जो ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करेगा उसको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा बट जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा उसको ये वाला डिविडेंड मिलेगा सो so, डिपेंड करता है कि डिविडेंड बड़ा है कि छोटा है ठीक है ना बेसिकली ये क्या है इंटरेस्ट इंटरेस्ट का जो मेरा अर्निंग है इंटरेस्ट अर्निंग इट्स वर्सेस डिविडेंड अर्निंग ठीक है इट्स ऑलवेज इंटरेस्ट अर्निंग वर्सेस डिविडेंड अर्निंग ठीक है ना बाकी तो एक बार मैं देख लेता हूं कि हाउ दे हैव डन इट बट आई डोंट फील कि इसके अलावा उन्होंने और कुछ भी किया है बेसिकली इसका जो पहला वाला पार्ट था ना उसमें एक लाइन हम लोग को समझाना पड़ेगा दैट कम में तो देखो एक्सरसाइज होगा ही नहीं इफ एस टी इज ग्रेटर देन के तो क्या होगा समझना सी टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस टी माइनस के ई टू दी पर माइनस आर टी माइनस टी यूरोपियन का है एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस टी माइनस के ये अमेरिकन का है तो ऑब्वियस बात है ना कि

ठीक है सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नाइन्थ पेपर जो आपने कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है ठीक है जैसे देखो बेसिकली नाइन्थ क्वेश्चन कराने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या बेसिकली आपने किए हैं ज्यादा करके जो मेरे को याद आ रहा है मेनली वी हैव डन अगर आप देखोगे तो यूटिलिटी सो so एक अपना यूटिलिटी से आई रहा है फिर आपने देखिए वॉर एंड जो चैप्टर नंबर फोर है राइट उसके बाद में वी एफ सीन एक पोर्टफोलियो का क्वेश्चन आ ही रहा है समझ रहे ब्राउनियन मोशन से बहुत नहीं आ रहा बट ब्राउनियन मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप देखोगे कि लास्ट जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उस वे से आपको समझा रहा हूं एक हमने देखा कि मर्टन मॉडल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बाद हमने देखा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जो बेसिक क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है उसके बाद में बाउंड पे क्वेश्चन आ रहे हैं बाउंड पे क्वेश्चन आ रहे हैं हमने देखा कि ग्रीक्स पे हमने क्वेश्चन देखा ग्रीक्स पे हमने क्वेश्चन देखा हमने पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे हमने क्वेश्चन देखा हमने रन ऑफ हमने रन ऑफ और रूइन पे तो क्वेश्चन देखा ही है हमने रन ऑफ और रुईन पे तो क्वेश्चन कंपलसरीली देखा ही है जिसमें रूइन के एक टर्म में दो 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 क्वेश्चन भी आ रहे हैं बिकॉज दीज आर द न्यू एडेड टॉपिक्स उसके बाद में चैप्टर फाइव और चैप्टर थ्री हट चुका है ठीक है हैव सीन ब्लैक पे क्वेश्चन ज्यादा करके बेसिकली कॉल पुट ठीक है हमने ब्लैक स्कोल्स पे देखा है एंड फ्यू क्वेश्चन देखा था टर्म स्ट्रक्चर पे बेसिकली जहां पर उन्होंने स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट बॉन्ड प्राइस ये सब सब दे दिया था ठीक है सो बेसिकली ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आपको ट्रेंड का समझ में आता है कि कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक और जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप कोई भी पेपर उठाओ हमने 2019 से लेकर 2023 का पेपर हमने बनाया तो इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर मान लो नंबर का पेपर है ना सो तो पचास नंबर के इसमें प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल इसमें पचास है बाकी पचास के आपके कमेंट्स हैं सो ये कमेंट्स अगर आप रीड नहीं कर रहे हो ना अच्छे से सारा पेपर्स का तो कमेंट्स आप आंसर नहीं कर पाओगे ये पचास में मान लो आपको चालीस मिलता है ये पचास में आपको दस मिलेगा तो भी आप फेल हो जाओगे यू यूडी एंड फिफ्टी फाइव आपको अपना कमेंट्स को अच्छे से इंप्रूव करना पड़ेगा उसके लिए आपको एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी ठीक है ना तो ये सी के पेपर में एक चेंज हो रहा है बार 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 आप देखोगे सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग पेपर बी का भी डालेंगे बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस रिसोर्सेस इसके अलावा मैं आपको गाइड करूंगा कि आप बेसिकली uh, आप मैट के बैक क्वेश्चन को जरूर करना बैक क्वेश्चन जो है बैक क्वेश्चन को अच्छे से करना जिसमें आपका एग्जाम स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्स असाइनमेंट आप जरूर करना वाई असाइनमेंट आपको मिलेंगे ठीक है और आप लेटेस्ट एक दो आई आई का भी पेपर आप देख सकते हो ठीक है so, सो ये सब करना बहुत जरूरी है पांच साल हमने कर लिया और अगर किसी को मतलब वो चाहे तो वो ऑब्वियसली उसको दो हजार तेरह से दो हजार अठारह का भी उसको कर लेना चाहिए ठीक है सो बेसिकली टेन टर्म्स सॉरी टेन ईयर्स तो करना ही चाहिए टेन ईयर्स टेन uh, ईयर्स अगर आप देखोगे टेन ईयर्स में आपका ट्वेंटी uh, पेपर्स होते हैं so, ये ट्वेंटी पेपर्स तो अच्छे से किसी को करना ही चाहिए ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर फाइव में आइए कंसिडर द फॉलोइंग एसेट्स इन अ वर्ल्ड वेयर द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होल्ड देर आर थ्री रिस्की एसेट्स एंड वन रिस्क फ्री एसेट नो अदर एसेट्स एक्सिस्ट एबीसी रिस्क फ्री ठीक है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो एक्स बीटा लिमिटेशन ऑफ दी एपीएम ठीक है तो इसको कैसे करेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये अपने और सीएपीएम का लिमिटेशंस देखो चार एक एक नौ में देखो लिमिटेशंस बोल दिया तीन नंबर ठीक है सो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चंस ज्यादा करके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है सो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सो लिमिटेशन ऑफ द सी में क्या बोल रहे हैं द एजशन अंडरपिनिंग दी एपीएम आर नॉट रियलिस्टिक इन रियलिटी नॉट ऑल इन्वेस्टर्स एट द सेम टाइम हॉराइजन तो रियलिस्टिक नहीं है ये सारी चीजें ठीक है उसके बाद में बोल रहे हैं रियल वर्ल्ड मार्केट डू नॉट प्रोवाइड एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट दी एपीएम कंक्लूजन देर आर बेसिक प्रॉब्लम इन टेस्टिंग द मॉडल सिंस इन थ्योरी अकाउंट हैज टू बी टेकन ऑफ द एंटायर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स ओपन टू इन्वेस्टर्स एंड नॉट जस्ट कैपिटल मार्केट्स ठीक है An important asset of most investors, for example, is their human capital, the value of their future earnings. Models have been developed which allow for decision over multiple uh, periods and for the optimization of consumption over time. To take account of this, basically, CAPM ka limitations have discussed over the uh, 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 other versions of the basic CAPM have been produced which

An important asset for most investors, for example, is the human capital. Models have been developed which allow for decisions over multiple periods and for the optimization of consumption over time to take account of this. थीके? So, all, expected return? expected return? So, risky asset, B consider. करिये. रिस्की एसिड बी को कंसिडर करिए सो इट इज टेन माइनस थ्री टेन माइनस थ्री वन इंटू वन एम माइनस थ्री ठीक है सो यहां से बेसिकली मेरा जो ई एम आ रहा है वो आ रहा है दस परसेंट का ठीक है फिर अपने को बोला है सी uh, का निकाल लें सो so, सो so क्या हो जाएगा अगर अपने सिक्योरिटी मार्केट लाइन अप्रोच से जाएंगे सो आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ठीक है, सो so, यहां से अपना आ रहा है सत्रह परसेंट और अगर मान लो मार्केट कैपिलेशन से जाएंगे सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इज वॉट फाइव इंटू टेन प्लस टेन इंटू फिफ्टी प्लस ट्वेंटी इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय टेन प्लस फिफ्टी प्लस ट्वेंटी एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इज टेन तो यहां से भी अपना रिटर्न आ जाएगा सो दिस इज बेसिकली 12.5 परसेंट फिर बीटा निकालने बोल रहा है, सो दिस इज अगेन 5 इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इन टू बीटा तो यहां से अपने बीटा सॉल्व कर सकते हैं सो so, बीटा अपना आएगा टू बाय सेवन तो ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से करना है अब जैसे देखो यहां पर दो मेथड से किए, दोनों से अलग अलग आंसर आया ठीक है, so, हो हो गया, गया, उसके बाद में आपका uh, limitations हो गया. जहां पर आप भी देखो ना, तो मॉडल पढ़ रहे हो सी टू में तो मॉडल से रिलेटेड एजम्स कि वो मॉडल कब कब वैलिड है एंड वो मॉडल कहां कहां काम नहीं कर सकता है सो so, लिमिटेशंस एक एजम्स हो गया और एक आपका हो गया लिमिटेशन ठीक है ना मैं यही बोलूंगा कि पेपर भी पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा एंड uh, आपको टाइपिंग भी प्रैक्टिस करना है आप तो इंडियन इंस्टीट्यूट का भी ऑनलाइन हो गया है सो तो आपको टाइपिंग भी प्रैक्टिस करना है सारे मॉडल के एजम्स सारे मॉडल के लिमिटेशन इसको एक जगह पे लिख लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा ठीक है इसको अच्छे से समझ लीजिए उसके बाद में एजम्स uh, लिमिटेशन तो ठीक है uh, उसके बाद में फोकस ऑन कमेंट्स मोर जितना हो सके आप लोग कमेंट्स पे खासा ध्यान दीजिए ठीक है एंड कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पर आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते हो जैसे कि मेरे को लगता है आ, अब जैसे आपका वो वाला हट गया बिहेवियरल फाइनेंस हट चुका है तो दिस माइट बी योर चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर सो एक से आप क्वेश्चन देख सकते हैं एक चैप्टर नंबर वन से आ, आप क्वेश्चन देख सकते हो ठीक है यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा जहां पर वो लोग तीन चार केस स्टडीज जैसे आपका बिहेवियर फाइनेंस में क्या होता था वो लोग आठ नंबर का क्वेश्चन बनाते थे टू इंटू फोर तो वही चीज आप सेम यहां पर भी देख सकते हो कि एक आपको फाइनेंस माइट भी रिप्लेस विद चैप्टर नंबर वन जो आपका एफिशियंट मार्केट हाइपोथेसिस है तो उसमें चार आपको केस uh, स्टडी दे देंगे उसके बाद में स्टोकास्टिक नहीं है तो वो वाला टेस्टेबिलिटी के लिए दे माइट गिव यू सम क्वेश्चन जहां पर बुकलेट वन एंड थ्री दोनों का मिक्स है बेसिकली uh, जहां पर आपको uh, जहां पर आपको uh, वो लोग वॉर देंगे बेसिकली वो कैसा टाइप का क्वेश्चन होता है वहाँ पर आपको 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 दे दे देते हैं, DST दे देते हैं हैं एंड बोलेंगे कि आपके पास में आज है है इतना आपको इसको बनाना साल साल बाद दस साल बाद एक लाख चाहिए फिर चाहिए जो भी वैसे फिर आपको बोलेंगे कि प्रोड़ वार, टेल वार, ये सब निकालो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ऐसे करके इस टाइप का जो क्वेश्चन आप देखेंगे पहला 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 जो 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 तीन चैप्टर है one, two, four, वो जो पहला वाला जो बुकलेड़ है है वो वाला बुकलेट बुकलेट में आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा ठीक सो एंड खासा आप देख ही चुके हैं कि पे हर टर्म में क्वेश्चन आ ही रहा है so, सो एंड रूइन थ्योरी में बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिकल नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिकल नहीं आ रहा है वो लोग ज्यादा करके क्वेश्चन बना रहे हैं जहां पर वो लोग आपको फाइनेंस बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं कि भाई पांच देंगे अगर पास हो गया तो प्रीमियम पचास लेंगे उस टाइप का इजी इजी एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा देंगे स्टेटिस्टिक्स बहुत ज्यादा लोग नहीं देंगे ये मेरे को लगता है ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते दस से पंद्रह नंबर स्टेटिस्टिक्स दे भी दिए तो भी अस्सी नंबर का पेपर अपने पास में रहेगा सो टाइपिंग विल नॉट बी अ चैलेंज एज फार एज आई एम कंसर्न माइ माइनोलॉजी टाइपिंग विल नेवर बी अ चैलेंज हो सकता है वो लोग आपको एक ट्रिक क्वेश्चन दे दे स नंबर का आपको बोल दे कि भाई तुमको बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिक्स टाइपिंग करना ही है सो so, अगर मेरे जैसा आदमी रहेगा तो मैं पहले उसको स्किप करके मैं बाकी चीजों पर ध्यान दूंगा जहां पर टाइपिंग उतना ज्यादा रेलिवेंस नहीं रखता जहां पर प्लेन टाइपिंग होता है जैसे कि अस्सी नंबर का पेपर में प्लेन टाइपिंग एकदम रहेगा इसमें कुछ भी आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे वो लोग ठीक है सो थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट सो दिस इज इसमें आपको कोई भी कमेंट्स कोई भी फीडबैक कोई भी सजेशन है तो आप चैट बॉक्स पे YouTube के चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप टाइप कर सकते हो मैं वो क्वेश्चन का दोबारा से वीडियो बना के डाल सकता हूं और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सी एम टू पेपर में ऐसा कोई टॉपिक है आपको कोई गाइडेंस चाहिए और ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे आपको कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो भी बॉक्स पे डाल सकते हो ठीक है सो थैंक यू